आज दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। 1 मई को दुनिया मेहनतकश तबके की मेहनत को सलाम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में मजदूरों की भलाई का श्रेय किसको जाता है? वो कौन है जिसने मजदूरों के काम के घंटे से लेकर इंश्योरेंस तक की लड़ाई लड़ी? जवाब है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आइए आपको बताते हैं बाबा साहब ने मजदूर वर्ग के लिए क्या कुछ किया। आज भारत में काम के 8 घंटे हैं तो इसका श्रेय बाबा साहब को ही जाता है। 27 नवंबर 1942 को ही 7वीं लेबर कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने काम के घंटे 14 से घटाकर 8 कर दिए। उससे पहले भारत में मजदूरों को 14 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। ये बिल पेश करते हुए बाबा साहब ने कहा था, काम के घंटे घटाने का मतलब है रोजगार का बढ़ना, लेकिन काम का समय 12 से 8 घंटे किए जाते समय वेतन कम नहीं किया जाना चाहिए। मजदूरों को दुर्घटना बीमा दिया, प्रोविडेंट फंड, TADA और मेडिकल लीव जैसे बेनिफिट्स भी दिलाए। बाबा साहब ने मजदूरों की भलाई के लिए खुद 10 बिल ड्राफ्ट किए। उन्होंने द कोल्स माइन सेफ्टी स्टोविंग बिल, द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल, द फैक्ट्रीज सेकेंड अमेंडमेंट बिल, वर्करमैन कंपनसेशन अमेंडमेंट बिल, द इंडियन माइंस अमेंडमेंट बिल, वर्कर्स वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी बिल, मीका माइंस वेलफेयर बिल, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हाउसिंग एंड हेल्थ बिल और टी कंट्रोल अमेंडमेंट बिल जैसे कानून भी लाए। आज के नेता इसी कमरों में बैठकर नीतियां बनाते हैं, लेकिन बाबा साहब खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचते थे। बाबा साहब ने खुद धनबाद कोल माइंस और रानीगंज कोल फील्ड का दौरा किया और खदानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत पर विस्तृत रिपोर्ट भी बनाई। 9 अप्रैल 1946 को बाबा साहब मीका माइंस लेबर वेलफेयर फंड बिल लेकर आए ताकि मजदूरों की भलाई के लिए अलग से एक फंड बनाया जा सके। 29 जुलाई 1943 को बाबा साहब कई और बिल लेकर आए। माइंस में काम करने वाली महिलाओं के लिए माइंस मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल लेकर आए और उसे पास कराया ताकि बच्चा पैदा होने पर महिला को मातृत्व अवकाश मिले और उसका वेतन भी ना कटे। माइंस मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल पर बोलते हुए बाबा साहब ने कहा था, यह काम से अनुपस्थित या काम से शब्द को हटाने के लिए है जो मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 5 से अस्पृश्यता का कारण बनता है और इस खंड को इस आशय को पढ़ने के लिए सलाह दी जाती है कि 4 सप्ताह से पहले हर दिन महिला को प्रसव से पहले मातृत्व लाभ का हक हो। साथ ही मर्दों के समान महिलाओं को भी समान वेतन दिलाने के लिए भी बाबा साहब ने संघर्ष किया था। असेंबली में बोलते हुए बाबा साहब ने कहा था, हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन मिले। मुझे लगता है कि ये पहली बार है जब किसी इंडस्ट्री में समान काम के लिए समान वेतन देने का सिद्धांत लागू किया गया है और वो भी बिना किसी लैंगिक भेदभाव के। हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि महिलाएं उस गलियारे में काम ना करें जो 5.5 फीट से छोटा हो। इससे पहले जोखिम भरी जगहों पर भी महिलाओं से काम कराया जाता था। खदान मातृत्व लाभ कानून, महिला कल्याण कोष, महिला एवं बाल श्रमिक संरक्षण कानून, महिला मजदूरों के लिए मातृत्व लाभ कानून के साथ साथ उन्होंने भूमिगत कोयला खदानों में महिला मजदूरों से काम न कराने के कानून की बहाली भी करवाई। बाबा साहब लेबर यूनियन को भी बेहद अहम मानते थे। ट्रेड यूनियन एक्ट भले 1926 में बन गया था, लेकिन मालिकों द्वारा श्रमिक संगठनों को मान्यता देने को अनिवार्य बनाने का कानूनी संशोधन 1943 में हुआ। 13 नवंबर 1943 को बाबा साहब इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल लेकर आए थे ताकि फैक्ट्री मालिक ट्रेड यूनियंस को मान्यता दें। इसी समय काम करते समय दुर्घटना का बीमा, जिसे बाद में ASI का रूप मिला, कानून बना। इसी समय बने कोयला और मीका कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड और सारे मजदूरों के प्रोविडेंट फंड भी अस्तित्व में आए। बाबा साहब ने 15 अगस्त 1936 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। उसके टिकट पर वे निर्वाचित हुए और 7 नवंबर 1938 को 1 लाख से ज्यादा मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व भी डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। इस हड़ताल के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि मजदूर मौजूदा लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सत्ता अपने हाथों में ले ले।
7 नवंबर की हड़ताल से पहले 6 नवंबर 1938 को लेबर पार्टी द्वारा बुलाई गई इस मीटिंग में बड़ी संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया। अंबेडकर स्वयं खुली कार से श्रमिक क्षेत्रों का भ्रमण कर हड़ताल सफल बनाने की अपील कर रहे थे। यह हड़ताल डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों के हड़ताल करने के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए बुलाई थी। दरअसल सितंबर 1948 में बॉम्बे विधानमंडल में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने औद्योगिक विवाद विधेयक प्रस्तुत किया था। इस विधेयक के तहत कांग्रेसी सरकार ने हड़ताल को आपराधिक कार्रवाई की श्रेणी में डालने का प्रस्ताव किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने विधानमंडल में इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा, हड़ताल करना सिविल अपराध है, फौजदारी गुना नहीं। किसी भी आदमी से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना किसी भी दृष्टि से उसे दास बनाने से कम नहीं माना जा सकता। श्रमिक को हड़ताल के लिए दंड देना उसे गुलाम बनाने जैसा है। हड़ताल एक मौलिक स्वतंत्रता है जिस पर मैं किसी भी सूरत में अंकुश नहीं लगने दूंगा। यदि स्वतंत्रता कांग्रेसी नेताओं का अधिकार है तो हड़ताल भी श्रमिकों का पवित्र अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने बहुमत का फायदा उठाकर इस बिल को पास करा लिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे काले विधेयक के नाम से पुकारा। इसी विधेयक के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में लेबर पार्टी ने 7 नवंबर 1938 की हड़ताल बुलाई थी। 17 सितंबर 1937 को उन्होंने महारों को गुलाम बनाए रखने के लिए चली आ रही वतन प्रथा खत्म करने के लिए एक विधेयक पेश किया था। वतन प्रथा के तहत थोड़ी सी जमीन के बदले महारों को पूरे गांव के लिए श्रम करना पड़ता था और अन्य सेवा देनी पड़ती थी। एक तरह से वे पूरे गांव के बंधुआ मजदूर होते थे। इस विधेयक में यह भी प्रावधान था कि महारों को उस जमीन से बेदखल ना किया जाए जो गांव की सेवा के बदले में भुगतान के तौर पर उन्हें मिली हुई थी। मजदूरों और किसानों के संघर्ष की अगुवाई करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों का भी सहयोग लिया, लेकिन यह सहयोग ज्यादा दिन नहीं चल पाया क्योंकि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पूंजीवाद को दुश्मन मानते थे, लेकिन वे ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करने को बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। जबकि डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों को भारत के मेहनतकशों का दुश्मन मानते थे। 12 से 23 फरवरी 1938 को मनमाड में अस्पृश्य रेलवे कामगार परिषद की सभा की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, भारतीय मजदूर वर्ग ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों का शिकार है और इन दोनों व्यवस्थाओं पर एक ही सामाजिक समूह का वर्चस्व है, लेकिन कांग्रेस, सोशलिस्ट और वामपंथी तीनों अस्पृश्य कामगारों के विशेष दुश्मन ब्राह्मणवाद से संघर्ष करने को तैयार नहीं हैं। बाबा साहब ने इस देश के मजदूरों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी उन्हें मजदूर नेता के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई। साजिश के तहत उन्हें सिर्फ दलितों के नेता तक सीमित कर दिया गया, ना ही मजदूरों पर उनके काम को पढ़ने दिया गया और ना ही कभी उनके इस अमूल्य योगदान को दुनिया के सामने सही ढंग से प्रस्तुत किया। लेकिन सच ज्यादा समय तक छुप नहीं पाता। बाबा साहब जैसे महानायक को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है।